हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार का, हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण तृतीया और चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आई हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। अना तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का एक बड़ा पर्व मनाया जाता है। और इस बार करवा चौथ पर चतुर्थी तिथि आज 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से आरंभ हो रही है। ये अगले दिन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। यानी आज रविवार 20 अक्टूबर को सुहागिन महिलाओं का महापर्व करवा चौथ का त्योहार है। और इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व भी होता है। करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं। और जो निर्जला नहीं रह पाती है वो साधारण व्रत भी रखती हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में करवा माता की पूजा और कथा सुनती हैं। और फिर रात को चंद्रमा के निकलने पर अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। आज 20 अक्टूबर को करवा चौथ पर चंद्र उदय का समय शाम 7:53 पर होगा। देश भर के अलग अलग शहरों में चांद के निकलने के समय में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चांद शाम को 7:53 पर उदय होगा। अलग अलग शहरों में 2-5 का अंतर डिफरेंस रहता है। और आजकल तो मॉडर्न पति भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रख रहे हैं। पति साथ में व्रत रखे या ना रखे, सच तो यही है कि करवा चौथ का त्योहार पूरे परिवार का त्योहार है। और आज के दिन सभी लोग आपस में मिलकर हंसी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं, उत्सव को मनाते हैं। और ये भी इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। चाहे इंसान कितनी भी सांसारिक सफलताएं हासिल कर रहे हैं, परिवार से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। इस बार करवा चौथ पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिससे इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाएगा। आज के दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा। चंद्रोदय के समय पर रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, जिस कारण से इस त्योहार का महत्व और कई गुना अधिक बढ़ गया। यानी रोहिणी नक्षत्र दाम्पत्य जीवन में मिठास और सौंदर्यता में निखार का कारक माना गया है। और आज के दिन सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह शुक्र की राशि तुला में है। और ऐसे में बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। शुक्र के वृश्चिक राशि में आने से वह गुरु के साथ मिलकर सम सप्तक योग का निर्माण भी कर रहे हैं। इसके अलावा शनि अपनी राशि कुंभ में रहकर सस राज योग का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में गुरु के साथ युति करके गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यानी इन मंगलकारी संयोगों के कारण सुहागिन महिलाओं को दीर्घायु, यश, वैभव, संपन्नता, सौंदर्यता और दाम्पत्य जीवन में मिठास की विशेष कृपा प्राप्त होगी। करवा चौथ के दिन किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, इसको लेकर भी आपको जानकारी बता दें। इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। और आज के इस खास मौके पर आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और किस रंग को पहनने से परहेज करना चाहिए, आपको बता दें। लाल रंग को प्रेम, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही पारंपरिक भारतीय सुहागन की भी छाया होती है, इसलिए ये करवा चौथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट कलर रहता है। गुलाबी रंग पेशन, केयर और कोमलता का प्रतीक रहता है, इसलिए इसे करवा चौथ पर भी आप पहन सकते हैं। आप चाहे तो गुलाबी रंग की साड़ी या सूट भी पहन सकती हैं। पीला या हरे रंग को भी आप पहन सकते हैं। पीला रंग खुशी और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। वहीं हरा रंग विकास, फर्टिलिटी और समृद्धि का प्रतीक होता है। काले रंग के कपड़े पहनने से बचिएगा। गहरे नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। भूरे रंग को भी वैसे आप नहीं पहने तो अच्छा है। और ग्रे रंग भी आप बचिएगा। पीला या हरा रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं और लाल रंग सबसे बेस्ट है, मैरून भी बेस्ट है ना। तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को एक बार फिर से हमारी टीम की ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और अब खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिए। आज वाराणसी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। 6,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रविवार यानी आज वाराणसी के दौरे पर देश भर में 6,700 करोड़ रुपए की कई एयरपोर्ट परियोजनाओं समेत अनेक विकास कार्यों की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में वाराणसी पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई के साथ सूचना तैयार करना भी समान रूप से आसान हो रहा है, जिससे नागरिकों को जानकारी मिल रही है और उन्हें सरकार की सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। यानी भारत की प्रगति के लिए एआई बेहद जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2047 के लिए खास प्लान भी तैयार किया है। अब चुनाव से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट जानेंगे, उसके बाद फिर और भी बड़ी खबरें और घोषणाओं की जानकारियां लेंगे। उपचुनाव 8 राज्यों की 25 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने 8 राज्यों की 25 सीटों पर उपचुनाव के लिए शनिवार शाम को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें 24 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। और जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा, कैबिनेट के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी मिल गई है। अब सीएम अब्दुल्ला पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है और इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी भी दे दी है। और झारखंड चुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए। बीजेपी की पहली लिस्ट में 66 नाम है। झारखंड बीजेपी ने 66 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बाबूलाल मरांडी धनवार से, चंपई सोरेन सराय
कैलाश मैदान में है। बीजेपी राज्य में कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। वहीं देखिए महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। बीजेपी 155, शिवसेना 78 और एनसीपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर शुक्रवार देर रात अमित शाह के घर एनडीए के घटक दलों की 2.5 घंटे तक बैठक चली थी और इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार भी शामिल हुए। बैठक में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत गुट में सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है बीजेपी 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 और एनसीपी अजीत पवार गुट 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बैठक में छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें दिए जाने पर सहमति बनी है। कुछ सीटों को लेकर पैच फंसा हुआ है। अमित शाह के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर इन्हें सुलझाया जाएगा। वही देखिए प्रियंका 23 अक्टूबर को वायनाड में नामांकन दाखिल करेंगी और फिर रोड शो भी निकाला जाएगा। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। आपको बताएं ये प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव होगा और उनके खिलाफ बीजेपी ने नाव्या हरिदास को उतारा है। ये 2 बार पार्षद, मैकेनिकल इंजीनियर है। बीजेपी ने वायनाड से प्रियंका गांधी के खिलाफ इन्हें मैदान में उतारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी ने कहा 50% आरक्षण को हम तोड़ देंगे। झारखंड की 70 सीटों पर मिलकर लड़ेगी कांग्रेस और जेएमएम। राजद को 7 सीटें ऑफर की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को रांची के शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं देखिए महाराष्ट्र में सपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। अखिलेश के कदम से कांग्रेस को झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भरी और कहा कि हरियाणा के रिजल्ट के बाद इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में महासावधान रहना होगा। वैसे आपको बताएं अखिलेश यादव बीते 2 दिनों से महाराष्ट्र में है और उन्होंने अलग अलग जगहों पर जनसभाएं भी की है। यूपी के बाद अखिलेश ने कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी झटका दिया है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की आज बैठक होगी। शरद गुट ने प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर देखिए, मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह को हटाने की मांग हो रही है। बीजेपी के 19 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगने वाले इन विधायकों का कहना है, मणिपुर के लोग अब बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का भरोसा टूट रहा है। राज्य में हिंसा रोकने का यही एकमात्र रास्ता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि मणिपुर में बीजेपी के 19 विधायकों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई। बड़ी खबर देखिए, 20 लीटर पानी की बोतल और साइकिल सस्ती हो जाएगी। सरकार साइकिल, 20 लीटर पीने के पानी की बोतल और बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक पर लगने वाले जीएसटी में कटौती करने पर विचार कर रही है। वहीं हाथ की घड़ी और जूतों पर 10% टैक्स बढ़ाने की भी प्लानिंग हो रही है। आपको बताएं शनिवार 19 अक्टूबर को जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के ग्रुप यानी जीओएम की बैठक हुई और इसमें इस पर चर्चा की गई। बैठक के बाद इन 5 प्रोडक्ट पर टैक्स में बदलाव करने के सुझाव पेश किए गए। केंद्र सरकार के मंत्रियों के समूह जीओएम ने कई वस्तुओं की जीएसटी दर को कम करने की सिफारिश की है, जबकि कुछ पर जीएसटी दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। और ऐसे में आने वाले दिनों में बोतल बंद पानी, साइकिल और नोटबुक सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन, लग्जरी कलाई घड़ी और जूतों पर जीएसटी दर बढ़ाने के लिए कहा गया है और ऐसे में ये चीजें महंगी हो सकती है। वहीं इसमें बुजुर्गों को टैक्स फ्री टर्म हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी अपडेट आया है। देश में लंबे समय से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को टैक्स फ्री बनाए जाने से चर्चा जोरों पर है। अभी इस पर 18% की दर से जीएसटी लगता है और अब इसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। देश के सीनियर सिटीजंस के लिए टर्म लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को टैक्स फ्री बनाया जा सकता है। हालांकि आपको बताएं इंश्योरेंस प्रीमियम को टैक्स फ्री बनाने के लिए मंत्री समूह द्वारा लिया गया फैसला आखिरी नहीं है। फिलहाल इस तरह से चर्चा हुई है और प्रस्ताव बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। बम की धमकी, शनिवार को 30 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 6 दिन में 50 विमानों में बम की धमकियां मिल चुकी है। सरकार ने एयरलाइन सीईओ के साथ बैठक भी की और इन धमकियों से इंडिगो, एयर इंडिया, अकाशा, विस्तारा, स्पाइसजेट, स्टार एयर और अलायंस एयर शामिल है। वहीं नई दिल्ली में शनिवार शाम ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने सभी एयरलाइन के सीईओ के साथ बैठक भी की और इसमें झूठी धमकियों से निपटने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही यात्रियों की असुविधा और एयरलाइन के नुकसान पर भी बात हुई। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। करोड़ों का नुकसान तो हो ही रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कानून अंधा नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल न हो, CJI चंद्रचूड ने सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लोगों की अदालत बनाया, मतलब ये नहीं है कि विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। फैसलों पर कोर्ट की आलोचना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को लोगों की अदालत बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायित्व संसद में विपक्ष के रूप में काम करना नहीं है। कानूनी विसंगतियों के लिए कोर्ट की आलोचना स्वीकार है, लेकिन इसकी भूमिका और काम का मूल्यांकन केस के फैसलों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक से आ रही है। 2028 से पहले मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा, JDS नेता HD कुमार स्वामी की भविष्यवाणी। केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष HD कुमार स्वामी ने यह भविष्यवाणी की है और कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उनका कहना
कहना है कि वे 2028 से पहले एक बार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमास जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। सिनावर की जान चले जाने के बाद ईरान आग बबूला हो गया। इजराइल को धमकी भी दी है। ईरान ने हमास चीफ सिनावर की मौत को शहादत करार दिया। वहीं ईरान ने कहा कि सिनावर की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खोमेनी ने शनिवार को कहा, शहादत से कुछ कम कहना उनका अपमान होगा। वहीं देखिए, नेतन्याहू ने कहा कि मुझे मारने की कोशिश करना हिजबुल्लाह की बड़ी गलती है। इजराइल के प्रधानमंत्री के निजी आवास पर ड्रोन से अटैक हुआ था। प्रधानमंत्री और उनका परिवार वहां मौजूद नहीं था। हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में ड्रोन अटैक कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पीएमओ ने हमले की पुष्टि की है और इसे लेकर नेतन्याहू ने ट्वीट भी किया। पोस्ट में लिखा कि मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश हिजबुल्लाह की बड़ी गलती है। इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नतीजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण चल रहा है। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। 3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल भी बरामद हुआ। मंदिर और अस्पताल में हमला करने वाले थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। और हरियाणा में युवक की जान चली जाने के बाद 2 सरकारी नौकरियां लगी हैं। यानी रिजल्ट के 47 दिन पहले युवक को हार्ट अटैक आ गया था और उसकी जान चली गई और जन्मदिन पर उसे नौकरी लगने के मैसेज घर वालों को मिले। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और डी की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया, जिसमें नारनौल के मुकेश का भी ग्रुप सी और ग्रुप डी में चयन हुआ। ग्रुप सी में उनका चयन पटवारी के लिए हुआ। मोबाइल पर 2-2 सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट होने का मैसेज आया तो परिवारजनों की आंखें नम हो गई, क्योंकि मुकेश की मौत रिजल्ट से 47 दिन पहले ही हार्ट अटैक से हो गई थी। खैर, होने को कोई टाल नहीं सकता है ना। और दिल्ली में फिर बड़ा एयर पोल्यूशन। यमुना में जहरीला झाग भी देखने को मिल रहा है। आसमान में धुंध देखने को मिल रही है। लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। मंत्री जी ने कहा कि सर्दी की वजह से भी समस्या है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह एयर क्वालिटी में काफी गिरावट देखी गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 पॉइंट को पार कर गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दी बढ़ने की वजह से भी दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी खराब हो रही है। 2 दिन से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, जिससे लोगों को गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन हो रही है और इसी के साथ त्वचा से जुड़ी बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। चलिए बड़ी खबर देखिए। टेक महिंद्रा का मुनाफा 153% बढ़ा है। जुलाई से सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 3.5% बढ़कर 13,313 रहा। HDFC बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 5% बढ़ा है। इनकम 9% बढ़कर 85,499 करोड़ रुपए रही। NSE ने 5वें इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉट साइज को बढ़ाया है। निफ्टी 50 का लॉट साइज 25 से बढ़कर 75 हुआ। 20 नवंबर से आदेश प्रभावी हो जाएगा। यानी मार्केट रेगुलेटर सेबी के आदेश के बाद अब NSE ने अपने सभी 5वें इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉट साइज को बढ़ा दिया है। निफ्टी बैंक का लॉट साइज 15 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। इस चार्ट में आप और देख सकते हैं। फिन निफ्टी भी 25 है, वो 65 हो जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। MG एस्टर की कीमत में 27,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। यूपी से जुड़ी खबर आ रही है। बिजली विभाग में 3,000 संविदा कर्मचारियों की छंटने के विरोध में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। और दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकारी जमीन से हटेंगे सभी अवैध धार्मिक स्थल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। सरकारी जमीन से 15 साल तक पुराने सभी अवैध धार्मिक स्थल हटेंगे। गृह विभाग ने 29 सितंबर 2009 के बाद के सभी अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कहा है और इसमें पुराने और 2004 के बाद बने अवैध धार्मिक स्थलों के बारे में सभी संबंधित विभाग 4 सप्ताह में गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं देखिए, विदेश जाकर पढ़ाई की होड़ नई बीमारी। उपराष्ट्रपति धनखड़ की अपील, देश में योगदान दें समर्थ लोग। और आंध्र कैबिनेट ने 6 औद्योगिक और निवेश नीतियों को मंजूरी दी है। CM नायडू ने कहा कि 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं NCERT नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में कई बड़े बदलाव करने वाला है। 2 बार बोर्ड परीक्षाएं 8वीं तक के लिए NCERT की नई किताबें। स्कूलों में अगले सत्र से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, नए सत्र से मिडिल यानी 8वीं तक पढ़ाई अब नई पाठ्य पुस्तकों से होगी, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। और अगले कुछ महीनों में 4 और कक्षाओं यानी 4थी 5वीं 7थी और 8वीं कक्षाओं की नई पाठ्य पुस्तकें भी तैयार होकर बाजार में आ जाएगी। नए सत्र से 10वीं और 12वीं की 2 बार बोर्ड परीक्षाएं, ये भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। छात्र इन दोनों परीक्षाओं में या फिर किसी एक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दोनों परीक्षा देने पर जिस परीक्षा में रिजल्ट अच्छा रहा है उसको अंतिम माना जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, अहमदाबाद से आ रही है। अहमदाबाद शहर की सड़कों पर कई बाइक चालक बिना हेलमेट पहने नजर आते हैं और ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट लगातार सख्ती दिखा रहा है। वहीं अब अपडेट खबर आ रही है कि अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें बाइक चलाने वाले सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, सिविलियन कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। और टाटा की एयर इंडिया का बड़ा फैसला, रोजाना बेंगलुरु से डायरेक्ट लंदन की फ्लाइट का ऐलान कर दिया गया है। एयर इंडिया ने शनिवार को यह बड़ी घोषणा की है कि वह 27 अक्टूबर से ही बेंगलुरु और लंदन हीथ्रो के बीच दैनिक नॉन स्टॉप सेवाएं शुरू करने वाला है। जोमेटो और स्विगी से खाना मंगाने वालों के लिए जरूरी खबर आ रही है। अब खाना मंगाना महंगा हो सकता है। डिलीवरी बॉय की सुविधा के लिए सेस लगाएगी सरकार। कर्नाटक से जुड़ी खबर है। कर्नाटक में जोमेटो, स्विगी, ओला और उबर का इस्तेमाल अब महंगा होने वाला है। कर्नाटक के सिद्धारमैया
या सरकार ने कहा कि वह गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन प्लेटफॉर्मों पर अब सेस लगाने वाली है। वहीं दिल्ली से जुड़ी एक और खबर देखिए। दिवाली से पहले दिल्ली वालों पर दोहरी मार। प्रदूषण के साथ ही सब्जियों की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी से घर का बजट बिगड़ रहा है। वहीं धूल प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में। 523 टीमों का गठन किया गया, 76 स्थलों को नोटिस जारी किया गया, लाखों का जुर्माना भी ठोका गया। वहीं देखिए दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सफदरजंग हॉस्पिटल में बेरियाट्रिक सर्जरी की शुरुआत हो गई है। मोटापे से पीड़ित मरीजों को यहां फ्री में इलाज मिलेगा। सफदरजंग हॉस्पिटल में बेरियाट्रिक व मेटाबॉलिक क्लिनिक शुरू हो गया और इसमें विशेष क्लिनिक में मोटापे से पीड़ित मरीजों को फ्री परामर्श और उपचार की सुविधाएं दी जाएगी। चाइना से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी जींस बनाने के लिए 30 कारीगरों ने 18 दिनों तक काम किया। चीन की एक कपड़ा निर्माता कंपनी ने ऐसा करने के लिए 30 कर्मचारियों को 18 दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जींस के काम पर लगा दिया और जब ये जींस बनकर तैयार हुई तो इसकी लंबाई रही 76 मीटर से भी ज्यादा। दुनिया की सबसे लंबी जींस 3600 किलो का इसमें सिर्फ बटन है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर आ रही है। जूनियर डॉक्टर 2 हफ्ते से आमरण अनशन पर है और वे अपने मृतक सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और राज्य के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में व्यवस्थागत बदलाव की मांग भी कर रहे हैं। अब तक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण भूख हड़ताल पर बैठे 6 डॉक्टरों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जबकि 8 अन्य अनिश्चितकालीन अनशन पर है। हड़ताली डॉक्टरों से आमरण अनशन खत्म करने की सीएम ममता बनर्जी ने अपील की है। उन्होंने कहा कि उनकी अधिकांश मांगों पर विचार किया जा चुका है जबकि उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं नोएडा एयरपोर्ट के लिए 1200 हेक्टेयर जमीन का और अधिग्रहण होगा। मास्टर प्लान 2041 बढ़ाया एविएशन हब का दायरा। दिल्ली में दिन दहाड़े डकैती की घटना हो गई। डीआरडीओ से रिटायर एक वैज्ञानिक को बंधक बनाया। 2 करोड़ कैश और सोने के गहनों की डकैती की गई। हरियाणा में 24,000 पदों पर नहीं रुकेगी ज्वाइनिंग। हाईकोर्ट ने भर्ती रोकने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 24,000 पदों पर चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। ज्वाइनिंग रोकने के लिए दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और हरियाणा के शहरों में 1,00,000 परिवारों को सस्ते मकान और प्लॉट भी मिलेंगे। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1,00,000 गरीब बेघर परिवारों को सस्ते मकान या प्लॉट दिए जाएंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है। इस योजना में घुमंतू जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। और पंजाब में बिना परिसीमन के होंगे नगर निकाय चुनाव। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। सरकार के पास केवल 15 दिन की मोहलत है। वहीं कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी भी लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के पेंशन धारकों को दिवाली का तोहफा। 75 साल से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा एरियर मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20% एरियर। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी हिमाचल सरकार ने दिवाली से पहले पेंशन धारकों और क्लास 4 श्रेणी कर्मचारियों को दिवाली का एक बड़ा तोहफा दिया है। वित्त सचिव ने 75 साल से अधिक आयु के सभी पेंशनर के बकाया एरियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20% एरियर के भुगतान की अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के 3.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को एक्स्ट्रा वेतन वृद्धि मिलेगी। हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस दिया है और 4 हफ्ते में लाभ देने के बारे में कहा है। साल 2005 से पहले 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच नियुक्त मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनरों को 5वें वेतनमान में 1 वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। और मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि विभागों को वेतन देने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने लिखा कि दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों के 1 नवंबर को दय अक्टूबर माह का वेतन 28 अक्टूबर की स्थिति में आरण करने हेतु सभी विभागों को आदेशित किया है। वहीं मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आभार माना है। दीपावली से पहले अक्टूबर का वेतन मिलने की घोषणा से कर्मचारी खुश हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की विधवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला। महिलाओं ने गजमाला से सीएम साय का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ सरकार दिवंगत पंचायत शिक्षकों की विधवाओं और आश्रित परिजनों को नौकरी देगी। अयोध्या से जुड़ा अपडेट देखिए। दीपोत्सव में प्रभु श्री राम से संबंधित 11 झांकियां सजेंगी। श्री राम की शिक्षा, सीता, राम विवाह, राम वन गमन आदि प्रसंग होंगे। 95% काम पूरा हो गया। यानी इस बार के भव्य दीपोत्सव में प्रभु श्री राम से संबंधित 11 झांकियां भी सजेंगी। वहीं बहत्तर घंटे में 30,000 स्वयंसेवक 28,00,000 दीपक जलाएंगे। 55 घाटों पर रोजाना 8 घंटे काम किया जाएगा। अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव पर रिकॉर्ड बनने वाला है और इसकी तैयारियां कर ली गई है। और कश्मीर मैराथन में आज अंतर्राष्ट्रीय धावकों संघ 2,000 से अधिक एथलीट दम दिखाएंगे। दुनिया भी देखेगी। कश्मीर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करने जा रहा है। ग्वालियर में आयोजित होगा RSS प्रचारक प्रशिक्षण शिविर। मोहन भागवत भी शामिल होंगे। इस बार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसे 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। और महाकुंभ में 7 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। 37,000 पुलिस कर्मी कमान संभालेंगे। AI भी मदद करेगा। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अभेद सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए गुड न्यूज आ रही है। अब घर बैठे या फ्री में JEE, NEET और SSC की कोचिंग ले पाएंगे। NCERT ने इंजीनियरिंग, मेडिकल और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक वेबसाइट बनाई है, यानी एक पोर्टल बनाया है। और इस पोर्टल पर IIT से लेकर NEET तक के विशेषज्ञ निःशुल्क यानी फ्री में कोचिंग देंगे। पोर्टल पर वीडियो लेक्चर, सैंपल, प्रश्न पत्र और अन्य अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध है। छात्र इस
पोर्टल के माध्यम से अपने पेपर और आशंकाओं के बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। वहीं देखिए टारगेट के चक्कर में बिना केवाईसी खाते खोले गए और फिर वही खातों को साइबर ठगों को बेच दिया गया। अब पीएनबी के डिप्टी मैनेजर समेत दो लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर महिंद्रा एसयूवी E9 टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों को रेलवे की बड़ी सौगात, फिर मिलेगी नौकरी। 25,000 भर्तियों से जुड़ा अपडेट आ रहा है। रेलवे बोर्ड ने स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 25,000 पदों पर भर्ती अभियान शुरू किया। इस भर्ती अभियान में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त करने का नया फॉर्मूला शामिल किया गया है और यह भर्ती विभिन्न जोनों में हो रही है। खबरों में बताया जा रहा है कि रेलवे जिन नौकरियों के लिए अस्थायी भर्ती करेगा उनमें पर्यवेक्षकों से लेकर ट्रैकमैन तक के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने इस योजना के तहत 65 साल से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी दोबारा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन कर्मचारियों की नियुक्ति लगभग 2 साल के लिए की जाएगी। बाद में विस्तार भी हो सकता है। वहीं बिहार में जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड मंटू सिंह गिरफ्तार हो गया। 3 आरोपियों का कोर्ट में सरेंडर। सारण, सिवान और गोपालगंज में 45 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब की वजह से जान जा चुकी है और फिलहाल बिहार में जहरीली शराब कांड का मुख्य सरगना पकड़ा गया है। टाटा नेक्सॉन ईवी अब नए अवतार में। कंपनी ने न्यू रेड डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया। नई कार से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। 4 नवंबर तक आवेदन का मौका दिया जा रहा है। अमेरिका के मियामी में बहामास के तट पर तूफान ओस्कर का निर्माण हो गया है। बहामास और क्यूबा सरकार ने चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली मेट्रो वैकेंसी से जुड़ी खबर है। डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए दिल्ली मेट्रो में भर्ती का मौका है। आइए अब कुछ राज्यों की ओर से जरूरी अपडेट की जानकारी लेते हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। सीईटी परीक्षा के लिए 5 दिन फ्री में सफर कर पाएंगे अभ्यर्थी। किसी भी शहर या गांव से रोडवेज बसों में यात्रा कर सकेंगे। गृह जिले की बाध्यता खत्म हो गई है। राजस्थान के 18 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत दी है। यानी अब सीईटी परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में 5 दिन फ्री में सफर कर सकेंगे। स्टूडेंट अपना एडमिशन कार्ड और आधार कार्ड दिखाकर परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले और परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद तक राजस्थान के किसी भी शहर, गांव या कस्बे से फ्री में रोडवेज बस से सफर कर पाएंगे। राजस्थान में रात को सर्दी बढ़ने लगी है। 10 शहरों में मिनिमम तापमान 20 डिग्री से नीचे देखा गया। 5 दिन मौसम साफ रहने और धूप निकलने की फिलहाल संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में जनसभा होगी। उपचुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे। जयपुर में चाकसू के पास दादिया में 27 अक्टूबर को उनकी जनसभा प्रस्तावित है। वहीं देखिए डेंगू का अलर्ट भी लगातार चल रहा है। राजस्थान डूंगरपुर से एक खबर आ रही है। डेंगू से एक 12 साल के बच्चे की जान चली गई। अहमदाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस महीने में 32 पॉजिटिव मामले आए हैं और भी कई जिलों में डेंगू के मामलों से जुड़ा अलर्ट चल रहा है। ये देखिए राजस्थान के दर्जनों गाँव में जानलेवा बीमारी से 10 से 20 दिन में 8 बच्चों की जाने चली गई। सामान्य बुखार समझकर घर वाले झाड़ फूंक कराते रह रहे हैं। भरतपुर और डीग जिले के गाँव में घातक बीमारी डिप्थीरिया का कहर है। बालिकाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार, राजस्थान से जुड़ी खबर है। 10वीं और 12वीं बोर्ड में 75% से अधिक अंक लाने वाली 85,000 छात्राएं बढ़ी हैं। 3,38,000 पुरस्कृत होंगी। यानी बोर्ड परीक्षा 2024 में 75% या इससे अधिक अंक हासिल करने वाली राजस्थान राज्य की 1,87,000 बालिकाओं को गार्गी और 1,51,000 बालिकाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा जाएगा और इन पुरस्कारों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सेवानिवृत्त कर्मचारी से बड़ी ठगी की गई। 24,78,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई है। ये छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में एमएसएमई का अलग से मंत्रालय बनाने की घोषणा। भिलाई में सीएम साय ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर नई उद्योग नीति भी लागू होगी। बिहार के शेखपुरा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। परिवार में खुशी की लहर। तीनों बच्चे स्वस्थ और तीनों ही लड़के हैं। चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाकर स्थिति स्पष्ट करें सरकार। वहीं पंजाब के सीएम मान ने किसानों से मीटिंग की। डीजीपी भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 लाख एमटीए धान खरीदी जा चुकी है। वहीं देखिए मासिक खर्च देने से नहीं किया जा सकता इंकार। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इस आधार पर पत्नी को मासिक खर्च देने से मना नहीं किया जा सकता है कि वह नौकरी करने में सक्षम है और उसने पति से मासिक भत्ता पाने के लिए नौकरी छोड़ दी है। कोर्ट ने कहा कि यह साबित करना जरूरी होगा कि उसने केवल भत्ता पाने के लिए ही नौकरी छोड़ी है। वहीं हिमाचल से जुड़ा अपडेट देखिए। दिवाली से पहले हिमाचल में दस्तक देगी शीतलहर। 22 अक्टूबर को 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। 3 दिन बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से एक्टिव होने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। साप्ताहिक समीक्षा में इस हफ्ते सोने की कीमतों में 1787 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी की कीमतों में इस हफ्ते 2320 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चांदी 92,283 रुपए प्रति किलो पर बिक रही। वहीं सोना 77,410 रुपए पर पहुंचा। क्या कुछ कह रहे हैं सितारे है? आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 20 अक्टूबर का रविवार का राशिफल। मेष राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि के लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होने के योग बन रहे हैं। तनाव और चिंता से भी राहत मिलेगी। मकर राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। मीन राशि के नौकरी पैसा लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा। इसके अलावा
अलावा वृश्चिक राशि के सरकारी नौकरी पैसा लोगों पर एक्स्ट्रा काम की जिम्मेदारियां आ सकती हैं और बाकी राशियों के लिए सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। ना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वाले और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो प्लीज आप वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।